Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shabira Malik. I hope you all are doing well. So जी आज मैं अभी मैं बनाने लगी हूँ. आज मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बना चुकी हूँ क्योंकि मेरी बहन साहिबा की हो रही हैं पेपर्स. वैसे वो अंदर पड़ी सोई रही है लेकिन बहाना उसका ये कि मेरे पेपर्स से तो काम नहीं करूँगी तो फिर सारी की सारी अफ्तारी मेरे सर पे आ पड़ी है तो इसलिए फिर सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं. तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ क्या नाम है इसका दही भल्ले होते हैं, दही बड़े होते हैं, वट एवर द नेम इज़. तो आज मैं वो बनाने लगी हूँ. उसके लिए मैंने लिया है एक कप मैदा और इसमें आधा कप मैं लूँगी पानी का और इसका हम बैटर बनाएंगे जिस तरह से पेस्ट होता है थोड़ा पतला सा मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा. तो इसको पहले डाल देते हैं हम इसके अंदर. वैसे तो तकरीबन सारे रमज़ान में समोसे तो खैर मैं बनाती थी, पकोड़े और चाट. वैसे पकोड़े और चाट जो हैं दोनों बड़ा लंबा काम होता है, बड़ा टाइम लगता है. मैंने भी कल भी बनाई थी तो मुझे मैं बहुत थक गई थी कि क्या यार चीज़ें काट काट के बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है. तो वो बेचारी वही करती रहती थी तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो भाई अब पेपर आ ही गए हैं तुम्हारे तो रेस्ट मारो. उसका पेपर था अर्ली मॉर्निंग शायद तो सुबह जल्दी की उठी हुई थी इसलिए अभी बड़ी सोरी. हमारे घर में वैसे एक ये तो मुझे लगता है कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है हम सबका कि जिसके पेपर आते हैं वो सोना शुरू करते हैं. बस जब देखो जो बंदा घर में सबसे ज़्यादा सो रहा होता है ना टाइम वक्त बे वक्त के जो सोने की टाइमिंग्स नहीं होती उसमें भी जब देखो बंदा पड़ा सो रहा है तो बस फिर ये साइन है कि भाई इस बंदे के पेपर हो रहे हैं. ओके जी तो अब हम इसको 30 मिनट्स तक के लिए छोड़ देंगे. उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे. अब मैं साथ ही बना लेती हूँ अपने पकौड़े. आई डोंट नो मेरे माइंड में क्या आया था, कहाँ से आइडिया आया था कि मैंने जो आलू थे अल्लाह कितना मैस क्रिएट हो गया. लेकिन खैर उनको मैंने ग्रेट कर लिया है. मैं ग्रेट करके पकौड़े बना रही हूँ. जब से रमज़ान आया मैं पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा पकौड़े बना रही हूँ. एक दफ़ा और भी मैंने बनाए थे उसका नाम था शाही पकौड़े. वो वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया. मैं करूँगी उफ अभी ये मैं बनाऊंगी. उसके बाद फिर मुझे चाट भी बनानी है और फिर मुझे मिल्क शेक भी बनाना है. उफ एक मेरी जान और हज़ार मेरी काम जान मैं खुद को कह रही हूँ खुद को बोल रही हूँ. और ये मैं बना रही हूँ पालक पकौड़े. पालक हमारा बहुत सारा पड़ा हुआ था तुमने कह रही थी कि ख़राब हो जाएगा तो तुम पालक पकौड़े बना लो. तो इसमें मैं पालक डालूँगी. एक बड़ा सा मैंने वो लिया है आलू और छोटा सा एक मैं प्याज लूँगी. इसमें पालक भी डालूँगी और पकोड़े मैं आज थोड़े बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी. पता नहीं मेरे माइंड में एक बात थी कि जिसकी वजह से मुझे पकोड़े थोड़े बनाने थे अब वो बहुत बात भूल गई मुझे. हाँ हाँ मुझे याद आएगा क्योंकि साथ में मैं दही बड़े बना रही हूँ तो फिर इसलिए कि चीज़ें वेस्ट ना हों क्योंकि फिर हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें एक साथ बन जाए ना तो फिर सारी की सारी चीज़ें वेस्ट हो रही. तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतनी मेहनत से बनी हुई चीज़ें और ये लोग खाने पर मुँह बना रहे होते हैं और मेरे भाई फिर कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है. तो फिर इसलिए जो है अगर हम वैसे मुझे दही बड़ों के साथ पकोड़े नहीं बनाने चाहिए थे लेकिन अम्मी ने कहा है कि बनाने हैं तो बस फिर मैं बना रही हूँ जी. तो इसमें तीन अदद मैंने डाल दी हैं सब्स मिर्चें. अब हम इसमें डालेंगे अपना क्या इसका नाम है पालक. पालक डालेंगे. हर मेक श्योर के पकोड़े बहुत ज़्यादा ना हों. थोड़ा सा और डाल देती हूँ फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे. लाइक स्पाइसेस आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई से भी ऐड कर सकते हैं. ये हमने फ्रीज करके रखा हुआ था इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है ख़राब बिल्कुल भी नहीं हो चा. खबरदार आप लोगों ने ये समझा कि अम्मी बाजार के लिए मेरी बहन सो रही है कि अब घर पर अगर मेरे कोई देखने वाला सुपरवाइज करने वाला नहीं है तो मैं सारी गंदी चीज़ें डाल के कुछ बना रही हूँ. ऐसी बात बिल्कुल नहीं है. तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे. स्पाइसेस में डालूंगी लाल मिर्च, हल्दी और नमक. इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूंगी. उसकी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि मैं सब कुछ करूं. तो पहले मैं वो कर लेती हूं फिर हम आगे से हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या करने वाले हैं. तो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि मैं क्या डालने वाली हूँ. मैंने डाल दी हैं ये जो है क्या इसका नाम है सूखा धनिया. ये मुझे बाद में ख्याल आया था कि ये भी बड़ा अच्छा लगता है तो ये डाल देते हैं. अच्छा तो अम्मी और साकिब गए हुए हैं बाज़ार. साकिब ने कुर्ता लेना था. बीच में साकिब के मैसेज आ रहे हैं कि उनका कुर्ता मैंने चूज़ करके देना है. वैसे मुझे भी जाना चाहिए था साथ लेके, पता नहीं मैं क्यों नहीं गई. खैर एनीवेज़ दो बड़े चम्मच हम डालेंगे इसमें बेसन के और क्या करेंगे बस अब इतना काफ़ी है. ये जी हमारा इसको क्या कहेंगे मिक्सचर रेडी हो चुका है. इसमें जो दो चम्मच मैंने आपको बताए थे मैं इसके बेसन के वो कम पड़े थे. मैंने डेढ़ चम्मच और डाला था और इसमें पानी डालने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो हमारा पालक था वो फ्रीज़ हुआ हुआ था और उसमें ऑलरेडी वो थोड़ा सा सॉगी सा था मतलब कि उसमें मॉइस्चर था. और जो मैंने पोटैटो आलू मैंने ग्रेट किए
तो उसमें क्योंकि वेजिटेबल्स जितनी होती हैं सब में पानी होता है, तो उनका अपना भी पानी था थोड़ा बहुत आलूओं का, तो इसलिए एक्स्ट्रा से पानी डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप लोग भी मत डालिएगा। ठीक, तो अब ये बन चुका है, अब हम इसको कवर करके रख देते हैं और चलते हैं अपने दही बड़ों की तरफ। वेल, इसको अब काफ़ी रेस्ट मिल चुका है, तो अब इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, और इसके स्पाइसेस में हम डालेंगे सबसे पहले 1 चम्मच गरम मसाले का, फिर एक आधा सा इतना सा चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक का, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें हल्दी का, 1/4 ही लाल मिर्चों का क्योंकि ये है जी कड़वी, तो हमने ये डाल दी। और बहुत थोड़ा सा इसमें डलेगा बेकिंग, एक तो पाउडर होता है जो केक में डलता है, तो ये हो गया फिर बेकिंग सोडा। यस, दिस इज बेकिंग सोडा, बहुत ही थोड़ा सा हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा, लाइक इतना सा हमने ये डाल दिया। और एक खुशी की बात ये है कि मेरी बहन उठ चुकी है और उसने कहा है कि चाट वो बना देगी, तो बस फिर अब चाट वही बनाएगी। वैसे वो छोटी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है माशाल्लाह, मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हूँ हर चीज़ में, मुझे बातें भी बहुत सुनाती है लेकिन खैर काम भी कर देती है, सो ये उसकी अच्छी बात है, बातें सुनाने के बाद ही सही काम तो कर ही देती है। और फिर अब चाट वाला काम तो निकल गया, बीच में से चाट मैं नहीं बनाऊंगी। मैंने कल परसों कब मैंने एक बीच में एक दिन चाट बनाई थी और मैंने बहुत अच्छी चाट बनाई थी, तो मैं उसको कहूंगी कि चीज़ें वो कट कर दे, बाकी का जो टेस्ट वाला काम होगा वो मैं कर दूंगी क्योंकि क्या मैं कहने वाली थी, बात ही निकल गई मैं, छोड़ें परे फजूल बात होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ डालनी है, लहसुन का पेस्ट, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं अभी पहले लहसुन छील के उसका पेस्ट बनाऊँगी फिर वो इसमें। ये हमने डाल दिया इसमें इसकी लास्ट चीज़ जो कि था लहसुन का पेस्ट, अब इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर देंगे। ओके जी, तो अब हम अपने दही बड़े या दही भले व्हाटएवर इट इज़ इनको कर लेते हैं जी फ्राई। ठीक है, तो अब आपने एक बाउल के अंदर लेना है नीम गरम पानी, और इसके अंदर हम मिक्स करेंगे नमक, एंड मिक्स इट वेल। और जी अब हम अपने सारे के सारे बड़े इसके अंदर डाल देंगे, बड़े भी और छोटे भी जितने हैं सब इसमें डाल देंगे। दही बड़ों के लिए हमें तैयार करना है स्पाइस्ड योगर्ट, उसके लिए हमें चाहिए 1 कप योगर्ट का, मतलब कि दही का, और उसमें 1/2 कप जाएगा दूध। हाफ आप इसको टीस्पून कह लीजिए, क्या है ये जीरा, और हाफ ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक का, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर स्पाइस्ड योगर्ट डाल देंगे, इट्स डन। अब हम बनाएंगे अपना, पहले मैं सोच रही थी कि मिल्क शेक बनाऊंगी लेकिन अब इतना टाइम भी नहीं है और मेरा मूड भी नहीं कर रहा, हम पिछले रोज़ से अब तक मिल्क शेक ही दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, और अब बना लूँगी मैं टैंग। वैसे टैंग मेरे घर वालों को इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन खैर एक दिन तो पिया जा सकता है। अभी मैं टैंग बनाऊँगी, उसके बाद मैं पकौड़े फ्राई करूँगी, नहीं पकौड़े एंड पे फ्राई करूँगी क्योंकि वो हम गर्म गर्म ही खाते होते हैं, लास्ट पर बनाऊँगी। टैंक बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, चाट बनाऊँगी। तो ये है हमारा वर्ल्ड फेमस टैंक, हम बनाएंगे टैंक, बनाना क्या है बस इसको जग में डालना है
और फिर इसमें पानी डालना है, फिर इसमें बर्फ डालनी है और फिर ये बन जाएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। ये ऑलरेडी पानी वैसे ठंडा है, मैंने फिर से निकाला है, लेकिन इसके अंदर मैं बर्फ भी डाल रहा हूँ। ओके, नाउ लेट्स ऐड सम बर्फ। पूरा कम करने जा, एक थोड़ा जा। एंड मिक्स इट वेल। ओके जी, तो ये है हमारी चाट। इसकी सारी चीज़ें मुझे काट के दी है मेरी बहन ने, और मैंने कहा कि भाई बाकी की चीज़ें मैं खुद ही मिक्स करूँगी ताकि चाट ज़्यादा अच्छी बने। अच्छा, तो ये है हमारी दाल। ये मैंने चने की दाल बनाई थी जो कि सब लोगों ने खाने से इनकार कर दिया। वैसे ये ट्रस्ट में बहुत अच्छी थी, लेकिन रमज़ान में वैसे ही खाने का किसी चीज़ का दिल नहीं होता तो किसी ने नहीं खाई। फिर अम्मी ने इसको ग्राइंड कर दिया और कहा कि सब पता नहीं क्या कबाब बना लेना, समोसे बना लेना। तो उस वो तो अभी बने नहीं, तो अब इसमें से ना कल मैंने जब चाट बनाई थी तो मैंने ये डाली थी, चाट का टेस्ट बहुत अच्छा था। तो एक चम्मच भर के हम अपनी दाल का डालेंगे चाट के अंदर, और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक का, और थोड़ी सी हम डालेंगे लाल मिर्च। मेरी अम्मा शोर मचा रही है कि नहीं डालनी, लेकिन फिर भी मैंने डाल दी। और एक बड़ा चम्मच भर के डालना है इसमें गरम मसाले का। अब इसमें हम दही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल्स में मैं आपको बता दूं, वैसे तो नज़र आ रहा होगा, इसमें प्याज है, उबले हुए आलू हैं, चने हैं, टमाटर हैं और हरी मिर्च है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मुझे रेडीमेड मिली हैं, तो इसमें वैसे स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। एंड माई चाट इज ऑल्सो रेडी। अब सिर्फ मेरा एक ही काम रह गया है, वो है पकौड़े फ्राई करना, जिसमें अभी टाइम है, तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद वो फ्राई करूँगी। ओके गाइज, तो अब हम बनाएंगे पापड़ी। और ये पापड़ी, ये वो कटिंग्स हैं जो मैंने जब समोसे बनाए थे और उसकी जो लेफ्ट ओवर थी, जो उसकी एक्स्ट्रा कटिंग्स थी जब मैं उस समोसे को शेप दे रही थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने फ्रीज कर दी थी। और अब जब भी हम चाट बनाते हैं तो ये चीज़ें मैं अच्छे से फ्राई करके एज पापड़ी हम यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है। हमारी पापड़ी जो कि मैंने अभी भी बनाई है, अभी हम इसको चाट के अंदर डालेंगे। फिलहाल थोड़ा के डाल, जी गाइस, तो आज की इस अफ्तारी का पूरा क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली द ग्रेट ट्रिबिना। ये है मेरी चाट। ये क्या थे? दही बड़े, भले दही भले भी कहते हैं, दही बड़े भी कहते हैं। ये हैं मेरे पालक वाले पकोड़े जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं, और ये है मेरा डेजर्ट। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है ऑलरेडी, इसका नाम है मलाई केक। और ये है मेरा टैंग, और ये दोनों चीज़ें मेरी बहन ने काटी हैं, इसलिए बस अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये है तरबूजा और ये है खरबूजा, खरबूज खरबूज खरबूजा और तरबूज। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।